अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। जगत्याल के रुकने असेंबली डॉक्टर संजय कुमार ने शहर जगत्याल में मिशन भाग्यरथा के पाइपलाइन की तंसीब से तबाह होने वाली सड़कों को मरम्मत के लिए फंड जारी करने की हुकूमत से दरख्वास्त की है। रियासती असेंबली में वक्फे सिफर के दौरान इस मसले को उठाते हुए डॉक्टर संजय कुमार ने कहा कि जगत्याल जिला बनने के बाद तेजी से तरक्की कर रहा है। मिशन भाग्यरथा के पाइपलाइन की तंसीब से शहर के कई सड़कें खराब हो गई हैं, इसकी मरम्मत के लिए फंड्स जारी करें। महकमे मौसमियात ने तेलंगाना में आइंदा 48 घंटों के लिए शदीद बारिश की पेशकशी की है और कहा कि खलीज बंगाल में हवा के दबाव में कमी से तूफान गुलाब पेशरफ कर रहा है। ये तूफान अब कालिंगापट्टनम से 130 किलोमीटर दूर है और किसी भी वक्त साहिल से टकरा सकता है। ऐसे में तेलंगाना में पीर को शदीद बारिश का अंदेशा आया और हुक्काम ने रेड अलर्ट जारी किया है। महकमे के बमुआजिब निजामाबाद, जगत्याल, राजाना सिरसिल्ला, महबूबाबाद, वरंगल और कामारेड्डी अजला में आइंदा 48 घंटों में शदीद से बहुत शदीद या इंतहाई मौसलाधार बारिश हो सकती है। इसी तरह हैदराबाद और खम्मम, सूर्यापेट, यादाद्री, भोंगिर, रंगारेड्डी, मेडचल, मलकाजगिरी और वखराबाद में भी मंगल तक शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। कुछ दीगर अजला में भी बहुत ज्यादा मौसलाधार बारिश का इम्कान है। तेलंगाना असेंबली और काउंसिल का इजलास आज दोबारा शुरू हुआ। जुमे को इजलास के पहले दिन साबिक अरकाने मुखन्नना को खिराज अकीदत पेश करके इजलास मुलतवी कर दिया गया था। दो दिन तातीलात के बाद दोनों ऐवानों का आज से आगाज हुआ और तवक्को है कि यह मुख्तसर इजलास हंगामा खैज साबित होगा। हुकूमत ने दलित बंधु, किसानों के मसाइल, आपपाशी प्रोजेक्ट्स और दीगर उमूर पर मुबाहस का फैसला किया है, जबकि अपोजिशन ने मुख्तलिफ अवामी मसाइल पर हुकूमत को घेरने की तैयारी कर ली है। असेंबली में कांग्रेस और बीजेपी की जानिब से हुकूमत को एहतजाज का सामना करना पड़ सकता है, जबकि काउंसिल में कांग्रेस के वाहिद रुकन जीवन रेड्डी हैं, जो तनहा ज्यादा असरअंदाज नहीं हो सकते। कांग्रेस और बीजेपी ने अपने अलहदा इजलासों में असेंबली की हिकमत अमली को खतियत दी है। बीएसी इजलास में बीजेपी को मदु नहीं किया गया, जिसके खिलाफ बीजेपी अरकान आज असेंबली में सुबह के दौरान इहादे में मुजस्मा गांधी के करीब अलामती एहतजाज करेंगे और इस मसले को असेंबली में भी पेश किया गया। रेवंत रेड्डी का उपल में धरना होगा, बाएं बाजू, तेलुगुदेशम और दीगर जमातें बंद में हिस्सा ले रही हैं। मरकजी और रियासती हुकूमतों की अवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ अपोजिशन जमातों ने आज 27 सितंबर को भारत बंद की अपील की है। कौमी सतह पर कांग्रेस और दीगर 19 जमातों ने बंद की अपील की और किसान तंजीमों ने तायद का ऐलान किया है। तेलंगाना में कांग्रेस और दीगर अपोजिशन ने असेंबली हल्का जात की सतह पर इजलास मुनक्किद करके बंद को कामयाब बनाने की हिकमत अमली तैयार कर ली है। कांग्रेस के अलावा सीपीआई, सीपीएम, तेलुगुदेशम, सीपीआईएमएल, सीपीआईएमएल, न्यू डेमोक्रेसी, तेलंगाना जन समिति और बाएं बाजू की ट्रेड यूनियन तंजीमों ने बंद में हिस्सा लेने का ऐलान किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश में गुलाब तूफान की सूरत हाल पर चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी से फोन पर बात की। वजीर आजम ने सूरत हाल और नुकसान की मालूमात हासिल की। नरेंद्र मोदी ने मरकज से हर मुमकिन तआवुन और इमदाद का तयक्कुन दिया। वजीर आजम ने तूफान से अवाम के महफूज रहने नेक तमन्नाओं का इजहार किया और कहा कि हुकूमत को हर मुमकिन एहतियाती तदाबीर अख्तियार करनी चाहिए। खलीज बंगाल में हवा के दबाव में कमी से तूफान ने एपी और उड़ीसा को लपेट में ले लिया है। तूफान का असर अब भी बरकरार है। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड के कई इलाके तूफान की जद में। चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश वाईएस जगन मोहन रेड्डी बहुत जल्द अपनी काबिना में रद्दोबदल करने वाले हैं। जराय का कहना है कि जगन दशहरा 15 अक्टूबर से पहले काबिना में रद्दोबदल कर सकते हैं। मई 2019 में चीफ मिनिस्टर बनने पर जगन ने कहा था कि वो 5 साल की मुकर्ररा मियाद मुकम्मल होने से पहले वो अपनी काबिना में रद्दोबदल करेंगे और बाकी मियाद दूसरों को मौका देंगे। इम्कान है कि बाद सीनियर वजरा के बशमूल बेशतर रंगारेड्डी, गंडीपेट और श्रीरंगमपल्ली मंडलों में सरकारी अराजी की फरोख से मुतालिक ऑक्शन को मुलतवी कर दिया गया। पिपलगुड़ा और खानम मेट में 27 और 28 सितंबर को अराजी का ऑक्शन मुकर्रर था, जिसे तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन ने मुलतवी कर दिया। हाईकोर्ट से ऑक्शन पर हुक्म इल्तवा के बाद यह फैसला किया गया, क्योंकि अराजी मिल्कियत के सिलसिले में बास दरख्वास्तें दाखिल की गई हैं। जराए के मुताबिक अदालत में मामले की एक सुई के बाद ऑक्शन मुनक्किद किया जाएगा। पिपलागुड़ा और खानम मेट में 117.29 एकड़ अराजी को फरोख्त करने का हुकूमत ने फैसला किया। सर्वे नंबर 41/14 में 22.79 एकड़ के तहत 9 प्लॉट्स के हर्राज का फैसला किया गया। इसके अलावा गंडीपेट पिपलागुड़ा में सर्वे नंबर 325 था, 328 में 94.5 एकड़ अराजी को 26 प्लॉट्स में तकसीम करके ऑक्शन का फैसला किया गया। पहले मरहले में हुकूमत ने अराजी के फरोख से 2500 करोड़ रुपए की आमदनी हासिल।
सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ने दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में चार इंतखाबी निशानात ऑटो रिक्शा टोपी स्तरीय और ट्रक पर इम्तनायत कर दिया और मुल्क की दूसरी रियासतों में ये इंतखाबी निशान दूसरी पार्टियों और आजाद उम्मीदवारों को अलॉट किए जाएंगे। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशानात पर नजरसानी करते हुए गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। इलेक्शन कमीशन ने कौमी और इलाकाई जमातों को मुस्तकिल इंतखाबी निशानात मुख्तस किए हैं। गैर मुसलमा जमातों के लिए मुख्तस किए जाने वाले फ्री सिम्बल्स आजाद निशानात के मामले में चंद तहदीदात आयद की है। मुख्तलिफ रियासतों की सूरत हाल के तहत उन रियासतों में चंद निशानात को इस्तेमाल न करने का फैसला करते हुए अहकाम जारी किए गए। वाज़ेह है कि हुक्मरान टीआरएस की जानिब से इसको दोबाग असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त होने के बाद टोपी स्तरीय ट्रक और ऑटो रिक्शा जैसे इंतखाबी निशानात दूसरी जमातों या आजाद उम्मीदवारों को मुख्तस न करने की इलेक्शन कमीशन से तहरीरी तौर पर नुमाइंदगी की गई थी। टीआरएस ने दावा किया था कि इसके इंतखाबी निशान कार से मिलते जुलते इंतखाबी निशानात होने की वजह से राय दहिंदों को मुश्किल पेश आ रही थी। आंध्र प्रदेश से भी कुछ इस तरह के एतराजात वसूल होने के बाद सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ने दोनों तेलुगु रियासतों में ये चार निशानात किसी को भी मुख्तस न करने का। अयोध्या के सन्यासी कैंप के संत परमहंस ने एक बार फिर मुतनाजा बयान दिया है। इतवार को तपासी छावनी में सनातन धर्म सांसद का एहतमाम किया गया था और इसके बाद संत परमहंस ने ऐलान किया कि 1 अक्टूबर को मुल्क भर से लोगों के लिए एक बड़ा सनातन धर्म सांसद मुनक्किद किया जाएगा। हिंदुस्तान को हिंदू कौम बनाने पर बहस होगी। संत परमहंस ने कहा कि अगर मरकजी हुकूमत इस बारे में कोई फैसला नहीं करती तो 2 अक्टूबर को वो सरयू में जल समाधि ले लेंगे, लेकिन चिता पर बैठने से पहले ही अयोध्या पुलिस पहुंच गई थी, इन्हें कायल किया गया और रोका गया। इसके बाद संत परमहंस ने एक और ऐलान किया कि अगर हिंदुस्तान को 1 अक्टूबर तक हिंदू कौम करार नहीं दिया गया तो वो 2 अक्टूबर को सरयू में जल समाधि ले लेंगे। अब जैसे जैसे 2 अक्टूबर करीब आ रहा है संत परमहंस की सरगर्मियां तेज होती जा रही है। अगर मामला कबूल नहीं किया गया तो मैं सरयू में पानी समाधि लूंगा। मेरी समाधि लेने के बाद यह मुमकिन है कि मोदी जी मेरे खराज तहसीन में हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बना दें, क्योंकि जब कोई हिंदू बाकी नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। भारत बंद के ऐलान की वजह से दिल्ली गुरुग्राम सरहद पर गाड़ियों की लंबी कतारें देखी गई। मुत्तहिदा किसान मोर्चा की जानिब से आज भारत बंद के ऐलान की वजह से उत्तर प्रदेश के नोएडा में डीएनडी में जबरदस्त जाम है। दिल्ली में मुत्तहिदा किसान मोर्चा की कॉल पर मुजाहिरीन संगू सरहद पर जारी कवानीन के खिलाफ धरना दे रहे हैं। एक मुजाहिरी ने कहा कि हम अपनी आवाज हुकूमत तक पहुंचाना चाहते हैं, 3 जरिए कानून को मसूख किया जाना चाहिए। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।